हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 11 के रसायन के अनुभार, आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान के बारे में। दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 5 है। मैंने लेक्चर नंबर 4 तक करा दिया था, उसमें परमाणु का क्या होता है और डाल्टर का परमाणु होता है, वो सब मैंने करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुभार, मतलब कि किसी भी यौगिक का हम अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले अनुभार का आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ अनुभार किसे कहते हैं, ये बात बता दूँ। अनुभार और आणविक द्रव्यमान और मोलर, दोस्तों ये तीनों एक ही तरह का होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अनुभार किसे कहते हैं उसका अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अनुभार का डेफिनेशन लिख रखा है, आप देख सकते हैं। किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को अनुभार कहते हैं। जैसे दोस्तों, इसके कहने का मतलब यह है कि कोई यौगिक है, जैसे दोस्तों मैंने यौगिक बहुत सारे ले लिया है, जैसे यहाँ हमारे पास है H2O, क्या दोस्तों H2O है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा कह रहा है H2O जो है किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान। अब देखिए, H2O में दो परमाणु है, एक तो है H और एक है O परमाणु, दो परमाणु होगा दोस्तों। अब परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के को अनुभार कहते हैं। जैसे अब इनका हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, एक होता है, पता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ आप देख सकते हैं दो परमाणु है, तो एक गुणे दो करेंगे, फिर प्लस करेंगे, योग कर रहा है दोस्तों। देखिए योग है तो प्लस करेंगे, ठीक है दोस्तों, प्लस करेंगे। अब देखिए ओ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दोस्तों होता है, 16 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब जोड़िए एक गुने दो दो और दो 16 कितना हो गया, 18। यानी कि दोस्तों H2O का जो अनुभार हो गया, या परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कुछ भी बोलो, 18 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता है समझ में आएगा। अब उसी तरह दोस्तों दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका निकालिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं H2SO4, बहुत दोस्तों इजी मेथड है, निकाल दोस्तों H2O। देखिए हाइड्रोजन का कितना दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान एक, लेकिन हाइड्रोजन दो है, तो सिंपली मैं एक गुना इसको दो लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब फिर प्लस करेंगे दोस्तों, प्लस कर दिए। फिर क्या SS क्या दोस्तों, सल्फर का दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो होता है दोस्तों 32 होता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। फिर प्लस देंगे दोस्तों, अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मैंने जस्ट बताया कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए 16 होता है, तो ऑक्सीजन का यहाँ 4 परमाणु, कितना परमाणु है, 4 परमाणु, तो मैं इसको सिंपली 16 गुना 4 कर दूंगा। अब दोस्तों इसको जोड़िए आप, अब एक गुने दो हो गए, फिर 32, फिर 16 गुने 4 64 हो गए। दोस्तों अगर आप इसको जोड़ेंगे, 32 दो 34, और 34 60 कितना दोस्तों, 98 हो गए दोस्तों। तो दोस्तों H2SO4 दोस्तों जो है, इसका जो द्रव्यमान या अनुभार हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, वो कितना 98 हो जाएगा। आए समझ दोस्तों, इसी तरह हम HNO3 का दोस्तों निकालते हैं। HNO3 का दोस्तों आप देख सकते हैं, अब दोस्तों हम HNO3 की बात करें, जिसको हम दोस्तों नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, आप सबको पता होगा दोस्तों। अब देखिए इसका भी आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप अपने कॉपी पर निकालिए दोस्तों, फिर आप मन में सोचिए कहाँ इसका आंसर यही आएगा। तो मैं निकालता हूँ दोस्तों, आप भी निकाल के बैठ जाइए। हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक प्लस, फिर नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, 14 होता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। फिर दोस्तों प्लस करेंगे, अब देखिए ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का भी जस्ट बताया 16 होता है, अब 3 है तो कितना जाएगा दोस्तों, 16 थी 48 जाएगा, तो मैं इसको सिंपली 48 लिख देता हूँ। आप इसको अब जोड़िए, 14 1 15 15 8 15 8 दोस्तों कितना हो गया, 23 हो गया, और 23 40 दोस्तों मैं जोड़ता हूँ, 23 40 दोस्तों 63 हो गया। तो दोस्तों HNO3 का दोस्तों 63 हो गया। आए समझ दोस्तों, इसी तरह H2SO4 का निकालिएगा, N2SO4 का निकालिएगा, सबका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं NH3 दोस्तों, NH3 का निकालता हूँ अब, NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते दोस्तों, NH3 का निकालता हूँ, NH3 इसको दोस्तों हम अमोनिया बोलते हैं, आप ये लिख भी लीजिए दोस्तों नोट, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। मैं चलिए इसका निकालता हूँ, NH3 का अनुभार निकालता हूँ। N का दोस्तों कितना, N क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान 14 हो जाएगा। ठीक है प्लस, अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान होता है, अब देखिए 3 हाइड्रोजन तो कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 14 3 कितना दोस्तों, 17, तो हमारा जो NH3 यानी अमोनिया का कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब H2SO4 का निकालते हैं, अब आता है हमारा H2SO4, क्या दोस्तों, H2
H2SO4, इसको दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें इसका निकालिए, एच का दोस्तों एक, अब हाइड्रोजन दो है तो दो गुना करेंगे, फिर प्लस देंगे दोस्तों, फिर एस, एस सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। ठीक है, फिर प्लस दे दिए, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का 16 होता है, अब चार ऑक्सीजन तो कितना 16 चौके 64 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए सिंपली आप, तो 98 हो जाएगा। मैंने इसका दोबारा निकाल दिया, पहले से मैं यहाँ लिख रखा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं N2SO4, इसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। तो दोस्तों N2SO4, अब हम चलते हैं N2SO4 को, Na2SO4 का मैं अनुभार निकाल के दिखाता हूँ। तो N का दोस्तों कितना नाइट्रोजन है, सॉरी N सोडियम है, तो सोडियम का दोस्तों कितना होता है, सोडियम दोस्तों परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान दोस्तों 23 होता है, याद रख लीजिए दोस्तों इसको, 23 होता है। अब देखिए दो सोडियम है तो मैं इसको गुना दो कर दूंगा। ठीक है, फिर प्लस है दोस्तों, अब देखिए सल्फर, सल्फर का भी बताया मैंने 32 होता है, फिर आप इसको प्लस करेंगे। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौके 64 हो जाएगा दोस्तों। अब सिंपली आप इसको जोड़ दीजिए, तो 23 दूनी कितना हो गया, 46 हो गया, 46 और 32 और प्लस इधर 64, तो आप इसको जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो 46 64 मैं जोड़ता हूँ, 46 और 32 कितना हो गया दोस्तों, 6 2 8 और 4 3 7, यानी कि 78, फिर 78 में 64 जोड़ दो, 78 में 64 जोड़ दो, 8 4 12 7 4 1 14, यानी दोस्तों 142 कितना हो गया, 142 आप अपने कॉपी में अच्छे से कर लीजिए, मैं सिंपल आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों Na2SO4 का 142 हो जाएगा, अगर गलती हो तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अनुभार निकालना आप दोस्तों सीख गए, अनुभार हो, अनुभार इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, अनुभार या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान एक ही बात है, या आण्विक द्रव्यमान, ये सब एक ही बात है, और परमाणु भार, अगर ये सब बोले निकालने के लिए समझ जाइए इसी विधि से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में एक और बात आती है प्रतिशत की, कोई यौगिक में, कोई यौगिक जो है उसमें एक तत्व का कितना प्रतिशत है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसका हम। दोस्तों अब हम आते हैं प्रतिशत संगठन के बारे में, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप उसको बारीकी से समझिएगा, प्रतिशत संगठन, क्या दोस्तों प्रतिशत संगठन, दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रतिशत संगठन का, इस प्रतिशत संगठन निकालेंगे कैसे, इसका एक सूत्र होता है, इसी सूत्र के द्वारा हम उसको ईजी बना सकते हैं। तो प्रतिशत संगठन का सूत्र जो होता है दोस्तों, वो होता है तत्वों का द्रव्यमान बटे कुल अनुभार यौगिक का गुणे 100, तो इस प्रतिशत संगठन का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको एग्जाम में दे देगा H2SO4 में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, H2SO4 में देखिए H2SO4 है, यहाँ क्या हमारा H2SO4 है, आप देख सकते हैं इसको, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूँ, तो क्या पूछ रहा है हमारा, H2SO4 में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी, तो इस सूत्र पे आप निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों जिसका पूछेगा उसका उसको ऊपर लिखेंगे, से H2SO4 में हाइड्रोजन की पूछ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए तत्वों का द्रव्यमान है, यानी कि हाइड्रोजन का पूछ रहा है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है, 2 1 होता है, लेकिन H2 है तो क्या देंगे दोस्तों, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, फिर बटम दे देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन का 2 दे दिया, अब देखिए कुल अनुभार यौगिक का, मतलब कि यौगिक क्या H2SO4 है, इसका कुल अनुभार कितना है, तो दोस्तों H2SO4 का जो कुल अनुभार होता है वो कितना होता है दोस्तों, 98 होता है, मैंने पहले निकाला था देख लीजिए, तो 2/98, तो इस कट के कितना दोस्तों 1/49 हो जाएगा, कितना 1/49, अब गुणे 100 इधर कर दो, 1/49 अब गुणे 100 इधर है तो 100 कर दो, यानी कि 100/49, तो अब इसको जितना सॉल्व करके आएगा दशमलव में वो इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों है CuSO4 में Cu का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मैं आपको बताता हूँ, CuSO4 में Cu का प्रतिशत पूछ रहा है तो कॉपर, यानी कि अब देखिए कॉपर का पूछ रहा है, तो कॉपर का पहले द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे, तो कॉपर का द्रव्यमान दोस्तों याद रख लीजिए होता है 63.5, यहाँ जगह नहीं है दोस्तों आप कॉपी में लिख लीजिए 63.5, अब देखिए बटे यहाँ सूत्र देखिए कुल अनुभार यौगिक का, तो पूरा यौगिक मेरा क्या है CuSO4, अगर आप CuSO4 का अनुभार निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों, मैं निकालता हूँ CuSO4 का, CU का दोस्तों होता है 63.5
Cu का 63.5 होता है द्रव्यमान। और इधर बात आई दोस्तों सल्फर की, तो सल्फर का दोस्तों हो जाता है 32 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 64 होता है। आप इसको जोड़िए 32 64 64 32 चार दे छः छः तीन नौ, यानी 96 हो गया। और 63.5 में 96 को ऐड कर दीजिए, 63.5 में 63.5 इसका निकला है, 63.5 में आप 96 को ऐड कर दीजिए, तो 5 छः तीन नौ छः नौ 15, यानी कि 159.5 दोस्तों होता है। ऐसे कुछ होता है, आप करके देख लीजिए, ठीक है, तो 159.5 होता है। तो दोस्तों तो इसका सी ओ सोफोर का कितना निकला, 159.5 इसका अनुभार निकला, ठीक है। अब सी यू का पूछ रहे हैं, तो सी यू का 63.5 होता है दोस्तों, देखिए 63.5 बटे, अब इसका कुल कितना निकला, 159.5 अगुने 100। अब दोस्तों आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा हमारा दशमलव में या बटे में आएगा, वो हमारा हो जाएगा सी ओ सोफोर में कॉपर के मतलब सी ओ सोफोर में कॉपर कितना प्रतिशत है, तो समझ में आए दोस्तों। इसी तरह आप किसी भी यौगिक का, जैसे मैं बात करूँ, मैंने यहाँ दो ही एग्जाम्पल लिए, मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा अच्छा रहेगा। जैसे HCl कितना दोस्तों, HCl के हाइड्रोक्लोरिक HCl में क्लोरीन का कितना प्रतिशत है, ये आप निकालिएगा, ठीक है, ये निकालिएगा। उसके बाद HCl हो गया, फिर HNO3 में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, ठीक। फिर तीसरा आप इसको कॉपी में बना के हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कितना आंसर आया इसका। HNO3 हो गया, फिर और हो गया, और मैं दे देता हूँ FeSO4, ऐसे बहुत सारे दोस्तों आप बुक में देख सकते हैं, जो बुक होगा आपका 11th का उसमें खोज के बना सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका दिक्कत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों था हमारा कुछ आज का क्लास 11 का केमिस्ट्री जो कुछ पाँचवा लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा मोल से रिलेटेड, मोल संकल्पना कहते हैं ना, मोल का अपना आपने नाम सुना हो तो मोल के बारे में, तो अगले वीडियो में मोल के बारे में बात करूँगा। किसके बारे में, अगले वीडियो में मोल के बारे में बात करूँगा, मोल के बारे में, ठीक है दोस्तों, मोल के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।